breaking news. पुलिसकर्मियों से जबरन कराए सरकारी आवास खाली, पिछले साल हुई थी एफआईआर। बरेली पिछले साल के दिसंबर माह में 106 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी जो सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे थे। इस बार 31 पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके उनके सरकारी आवासों को खाली कराया जा रहा है, जिनमें से कुछ आवासों को खाली कराया जा चुका है। पुलिस लाइन में बने पुलिसकर्मियों के सरकारी आवासों पर वर्षों से ऐसे पुलिसकर्मी कुंडली जमाए बैठे थे जिनका या तो ट्रांसफर हो चुका था या रिटायर हो चुके थे, मगर सरकारी आवासों का मोह खत्म नहीं हुआ। यह पुलिसकर्मी सरकारी आवासों खाली नहीं कर रहे थे। एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देशन में ऐसे आवास को चिन्हित किया गया जिसमें रह रहे पुलिसकर्मी या तो दूसरे जनपद में तैनात हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। ऐसे 31 आवासों को चिन्हित किया गया और उन्हें पहले आवासों को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। जब उन्होंने नोटिस मिलने के बावजूद भी आवास खाली नहीं किए तो जबरन उनसे आवासों को खाली कराया गया। इस पर अभी शेख वर्मा एडिशनल एसपी ने बताया, जिन पुलिसकर्मियों के आवासों को खाली कराया गया पहले तो नोटिस मिलने के बाद उनके कानों पर जू नहीं रेंगी और जब उनके आवासों को खाली कराया गया तो उल्टा पुलिसकर्मियों की महिलाएं पुलिसकर्मियों पर ही इल्जाम लगाने लगी। एक पुलिसकर्मी की महिला का तो कहना है कि उसके जेवर नकदी पता ना ही चल रहा है, कहां गए। उनके सामान को उनके कमरे से बाहर निकाल दिया गया और जेवर नकदी पता नहीं कहां डाल दी। इनडायरेक्ट तौर पर जेवर नकदी का उन पुलिसकर्मियों पर ही इल्जाम लगाया जा रहा है जिन्होंने आवासों को खाली कराया था। एक पुलिसकर्मी की पत्नी शशि लता ने बताया, बीते वर्ष दिसंबर माह में तत्कालीन एसएसपी मां निराज जी ने उन पुलिसकर्मियों पर जो नोटिस के बाद भी आवासों खाली नहीं कर रहे थे, ऐसे 106 पुलिसकर्मियों पर बरेली के 7 थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस बार मौजूदा एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देशन में नोटिस देने के बाद जिन पुलिसकर्मियों ने आवास खाली नहीं किया है उनके आवासों को खाली कराया जा रहा है। परसों दो दिन पहले कहा कहते हैं नोटिस मिला, हम तो कमरा देख रहे थे, कमरा देख रहे, अब हमने कही थी कल परसों खाली कर देंगे और हमारा सामान फेंक गया। और मैं तो थी भी नहीं घर पे, बच्चे थे छोटे छोटे दोनों, और कहा कहते हैं वो सामान फेंक गए निकाल के। मैं तो आई जब तक तो मुझे सब सारा बाहर पड़ा मिला सामान, और मेरे बच्चों को बाहर निकाल के फेंक दिया घर में से, और मेरा सामान भी पता नहीं, चाबी मुझे नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं, सब सारा सामान पता नहीं कहाँ कर दिया मेरा। मेरे नहीं पैसे हैं ना कुछ है, मेरे पास जेवर था वो भी नहीं है, सारा फेंक दिया निकाल निकाल के। पुलिस लाइन में विगत कई वर्षों से लोग अवैध कब्जों से अपने घर पे रह रहे थे। ऐसे कई लोग हैं जिनका ट्रांसफर दूसरे जनपदों में हो रखा है पर उन्होंने घर अपने ही कब्जे में कर रखा है, जिस कारण जो हमारे यहाँ इस जनपद में तैनात पुलिसकर्मी हैं उनको आवास नहीं मिल पा रहे। इसी को लाइट में रखते हुए एसएसपी सर ने एक अभियान चलवाया था जिसके तहत हमने यहाँ पे अभी 31 ऐसे आवास चिन्हित किए थे जिसमें लोग इलीगली ऑक्यूपाइड हैं, उनको निकालने की प्रोसेस थी वो शुरू कर दी है। कल हमारी तहसीलदार साहब और हमारी एक कमेटी थी जो साथ में गई और ऐसे कई आवासों को खाली कराया गया जो पुराने लोग जिसमें रह रहे थे, और आज और कल दो दिन और इसमें अभी अभियान चलेगा और जितने 31 जो ये आवास हैं सभी को खाली करा के जो हमारे जनपद में तैनात पुलिसकर्मी हैं उनको ये आवास उपलब्ध कराया जाएगा। क्या दिक्कत होती है? ऐसे कई लोग होते हैं जो कई सालों से अप्लीकेशन दे के रखते हैं कि उनको इस जनपद में आवास चाहिए, पर आवास ना मिलने के कारण वो महंगे उनको प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में रहना पड़ता है, उनको अपना किराया महंगा देना पड़ता है, अपनी जेब से देना पड़ता है, जिस कारण उनको कई प्रकार की आर्थिक दिक्कतें भी आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एसएसपी सर ने एक अभियान चलवाया है जिसमें हम ये सभी 31 आवास जो हमारे लीगली ऑक्यूपाइड है उसको खाली करवाएंगे और जिस जनपद में तैनात पुलिसकर्मी उनको ये आवास